देखिए, आई डू नॉट सपोर्ट और कंडोन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस वर्बल और फिजिकल. थैंक यू. या लवली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल टेक टू मोर क्वेश्चन. राइट. थैंक यू. थैंक यू करण सर. वेट वेट. यू आर राइट. यस सर, मेरा सवाल आपसे है. क्यों? आपने टैक्स स्लैब की बात की तो फर्क से जहन में मेरे वो जो खन्ना बनाक वाला इंसिडेंट है वो याद आ गया. तो इस पर आपके क्या रिएक्शन? क्या बात है. देखिए, आई डू नॉट सपोर्ट और कंडोन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस वर्बल और फिजिकल. थैंक यू. या लवली. करण, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस. मेरा सवाल यह है कि बहुत रियलिस्टिक सेटिंग में बहुत रियलिस्टिक एक्शन लग रहा है इस फिल्म का, जैसे कि हम तमाम फिल्मों में देखते हैं. लेकिन इंडिया में और साउथ की फिल्मों में खासकर जो एक्शन होता है, दे आर ओवर डूइंग इट. लाइक जिस तरह की एक्शन सीक्वेंसेस स्पेक्टेकुलर वो क्रिएट करते हैं, क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिक एक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए रियलिस्टिक सेटिंग में? और क्या साउथ की फिल्मों में जिस तरह का एक्शन होता है ओवर द टॉप, उसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में और हिंदी फिल्मों पे उतना प्रेशर है कि वो भी कुछ इस तरह का क्रिएट करें जिस तरह से वो क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी और की फिल्म का जिक्र ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमें टिपिकली हमें एक जॉनर होता है जो बुलाते जॉनर फिल्म होते हैं, जो बहुत सारी ये फिल्में वेस्ट में बने हैं, कोरिया से बने हैं, चाइना से बने हैं, जैसे है ट्रेन टू बुसान है, या आपने देखा जॉन विक की जो सीरीज रही है, वो जहाँ एक्शन जो है वो भी एक आर्ट फॉर्म है. तो जब हम कहते हैं कि ये बहुत ब्लडी है, बहुत वायलेंट है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम वायलेंस या खून खराबा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह वायलेंस दर्शाया गया है इस फिल्म में, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. जिस तरह वो कोरियोग्राफी है एक्शन की, एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस में, एक नैरो से ट्रेन में आपने जो कोरियोग्राफी वहां दर्शाई है, जिस तरह आपने एक्शन को कोरियोग्राफ किया है बिटवीन निखिल्स एक्सपर्टीज राइटिंग एंड मिस्टर ओज एक्सपर्टीज इन एक्शन, तो इट्स एन आर्ट फॉर्म. तो हमने कभी नहीं सोचा कि आप रियलिस्टिकली कर रहे हैं या ओवर द टॉप कर रहे हैं या किसी और को हम एम्यूलेट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. हम पहली बार हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते थे कि इस किस्म की जो कोरियोग्राफ आर्टिस्टिक एक्शन और वायलेंस है वो हम दिखा सकते हैं, और हम एज एन आर्ट फॉर्म आपको दिखा सकते हैं. तो यही हमारी तरफ से, यही प्रयास था हमारी तरफ से, और यही कोशिश थी कि हम कुछ ऐसा करें जो अलग हो. और बहुत सारी एक्शन फिल्में बनी हैं, बहुत सारा बजट वाला भी खर्चे वाली फिल्में बनती हैं, लेकिन जहाँ वाकई सोच विचार बिना कोई वीएफएक्स की आप काम करें, जहाँ वाकई बहुत सारा सोच जाता है उस कोरियोग्राफी में, इसी का हमने यही कोशिश की थी. और यही हमारी यही चाहत है कि जब ऑडियंसेस देखेगी तो दे विल अप्रिशिएट द वर्क दैट गोज इनटू दिस कोरियोग्राफी ऑफ एक्शन. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले आपने भी सोशल मीडिया पर डाला था कि आप एक एक्शन फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी नहीं. Hi, right at the center. Okay. Yeah.